नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन 3 power 2x plus 3 power minus x over 3 power 2x minus 3 power minus x is equal to 4। यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं, जब वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर पावर हो तो सच टाइप का फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और ये लॉगरिथम से सॉल्व होता है। हमने सॉल्व करना है इसको, x फाइंड करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम यहां पे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 3 power 2x plus 3 power negative x over 3 power 2x minus 3 power negative x is equal to 4। सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं कि लेट 3 पावर x जो है वो y है, तो फिर ये 3 पावर 2x क्या होगा, वो हो जाएगा y स्क्वायर। वो कैसे y स्क्वायर होता है, हमने सपोज किया है ये सब्स्टिट्यूशन है कि 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो यहां पे 3 की पावर 2x वो y स्क्वायर कैसे आएगा, ये देख रहे हैं आप कि अगर हम 3 पावर x को स्क्वायर ले लें तो राइट साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसी तरह यहां पे 3 पावर नेगेटिव x आ रहा है, तो 3 पावर नेगेटिव x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 पावर x, तो y हमारे पास 3 पावर x y है, तो ये 1 ओवर y लिख सकते हैं। तो सो अब हमने 3 पावर नेगेटिव x की जगह 1 ओवर y लिख देना है, 3 पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर लिख देना है। लेट y इज इक्वल टू लेट 3x लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y, और डिनोमिनेटर में आएगा y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमिरेटर को हम एलसीएम से लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 1 ओवर y, डिनोमिनेटर में y क्यूब माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 4, तो ये कैंसल आउट, y y से कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाएगा y क्यूब प्लस 1 ओवर y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 4 y क्यूब माइनस 4। तो फ्रॉम हेयर y क्यूब 3 y क्यूब इज इक्वल टू 5, 3 y क्यूब इज इक्वल टू 5, y क्यूब इज इक्वल टू 5 ओवर 3, तो नो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 ओवर 3, क्यूब रूट को 1 ओवर 3 लिखते हैं। अब हमने रीसब्स्टिट्यूटिंग करनी है, ये देखें यहां पे y जो है वो 3 पावर x है, तो ये रीसब्स्टिट्यूट कर दें, दिस मीन्स दैट 3 पावर y को हम लिखेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू 5 ओवर 3 का क्यूब रूट, नो टेकिंग लॉग ईच साइड, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो x डाउन कैसे आएगा जब हम लॉग लेंगे, लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लॉग ईच साइड, तो लॉग 3 पावर x इज इक्वल टू लॉग 5 ओवर 3 पावर 1 ओवर 3। तो दिस बिकम्स x
विल कम डाउन, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग 3 इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लें लॉग 5 ओवर 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे और यहाँ भी लॉग 3 को पहले राइट पे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग 5 ओवर 3 पावर 1 ओवर 3 ओवर लॉग 3। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे और आपने आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस में, तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे तो लॉग 5 ओवर 3 क्यूब रूट ओवर लॉग 3, तो फाइनली वी गेट द आंसर इज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.155, दिस इज द फाइनल आंसर।